वो एक बार न कई बार हमला बोल चुका है, लास्ट हम लोग सोचा कि फैसला हो जाए। आप देख रहे हैं आपके साथ प्रेम राधे के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं पहुंच पाते, बस कुछ परेशानियों की वजह से वो बाहर रुक जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक पूरा परिवार आया है, पूरा बर्तन कम्बल चद्दर जो भी घरेलू सामान है वो पूरा परिवार के साथ यहाँ पे आके बैठे हैं। देखिए हाथ में आवेदन है, आवेदन उसके नाम क्या, आवेदन मुन्नी देवी, मुन्नी देवी। अच्छा, ये आवेदन में क्या लिखा हुआ है? पूरा आवेदन में लिखा हुआ है कि सर जो है प्रशासन जो है हमको नहीं रहता तो हम लोग मार देता। वो लोग कौन मार देता? इनरदेव रविदास, पप्पू रविदास, उसका पत्नी प्रकाश रविदास। कौन है? चचेरा भाई है आपका? हाँ, वो एक बार न कई बार हमला बोल चुका है, लास्ट हम लोग सोचा कि फैसला हो जाए, लेकिन कोई फैसला हमको अभी तक नहीं मिला। और जब हमको भोला सिंह दरोगा कल नहीं रहता तो हम लोग मार देता। भोला सिंह बोला चलो खैरा थाना, जब खैरा थाना गए तो रात भर वहीं रहे, बोला सुबह बड़ा बाबू बैठेगा। ये दोनों आपका बच्चा? हमारा सब बच्चा है, ये भी है, ये भी है। देखिए यहाँ पे आप क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि मेरा गोतिया है चचेरा, घर से बेघर कर दिया, मार के रोपड़ी पत्थर सती करके कहा कि भागो यहाँ से, मचा दी। हाँ, पत्थर चलाया, एकदम पूरा घर में देखिए सर, वहाँ में मेरा चूर दिया, एकदम छप्पर तपर चूर छट करके थी कर दिया, निकाल दिया कि भागो यहाँ जल्दी से, भगा दिया। हाँ हाँ, बोला मकान खाली करो, खाली करिए, हम दादी हमारा दे दिया जमीन, हमारा गोतिया आधा हिस्सा होना चाहिए, इसका निर्धारण कर। आपका आधा हिस्सा होना चाहिए, गोतिया निकाल दिया तो आधा आपको मिला हो ना पहले बटकर? नहीं, बटवारा लिखवा लिया, बोला बल मेरा हो लिया दादी से। कौन? आपकी सास से? हाँ, नहीं, दादी से, दादी से। और हम केस भी लड़ रहे हैं उस पर, टाइटल सूट में हम केस किया है, तो कहता हरम दादी केस मोबाइल कुछ नहीं चलने देगा। पुलिस नहीं सुन रहा? नहीं, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा है। कहाँ से आए हो जी? कहाँ से? नहीं, क्या परेशानी है? भगा दिया तो अब क्या कीजिएगा आप लोग? मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए हैं? हम मिलने आया सब, मिलवा करके हम आवेदन किए थे ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं जानकारी था, नहीं हम तो इसी समझ में आए, हम लोग को तो घर से निकाल दिया। ये एक पूरा परिवार है जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो तमाम चीज है वो चीज लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, और कहना है कि हमें पता नहीं है, जानकारी नहीं है, हालांकि दो तीन बच्चे हैं, और गंभीर हालत है, पूरा हालात है वो गंभीर बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम लोग को मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ दिए हैं अपना? ये एप्लीकेशन हम पटना दिए, दिल्ली दिए, मुंगेर दिए, SP दिए, DIG दिए, सभी जगह किए हुए, देखिए रजिस्ट्री भी किए हुए हम। रजिस्ट्री किन के नाम से है? सभी के नाम से दिए हुए हैं। ये जनवरी में देखिए हम लोग को ऐसा ऐसा घटना घटाया, देखिए जनवरी में ये घटना फिर एक बार मारा के हाथ तोड़ दिया, देखिए हाथ तोड़, देखिए ये भी ठंडा में रात भर भरी रात गुजार रहे हैं, देखिए यहाँ भी है, हमारे पास में प्रूफ है, देखिए ये कि यहाँ प्रूफ है हम लोग को, हमारे साथ में। तब कब का, कितना? ये जनवरी अगला साल का, जनवरी में भी ये घटना घटा है। हाँ, ये बार बार घर ढुक के हमला बोल देता है, और दमंग पार्टी है नक्सलाइट, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं करता, जाइए यहाँ से, और जांच के भगा देता है, आवेदन भी नहीं लेता, नहीं आवेदन भी नहीं लेता है। कौन सा थाना हुआ? खैरा थाना, खैरा थाना, खैरा थाना। और बड़ा बाबू का नाम है बिंदेश्वर पासवान है, और भोला सिंह। यहाँ जो सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की राज है, सुशासन की बात होगी, और थाने में आवेदन नहीं लिया जाता है, बल्कि थाना से धक्के मार कर इन लोगों को बाहर निकाल दिया जा रहा है। साफ तौर आरोप लगा रहे हैं कि बड़ा बाबू है वो कुछ भी हम लोगों की तरफ देखते भी नहीं है, बल्कि बाहर करवा देते हैं। बाकी की तमाम खबरों के बने रहें बिहार।